होते दिन। भाई आप सबसे पहले बस इतना बता दो, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर, ये बात तो बताओ बच्चों। अब कम से कम आप तो चुपचाप मत बैठना भाई, आप लोग तो थोड़े से एक्टिव रहना। अब ये बताओ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था? देखो सबसे पहली बात तो आपका आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया, आप सबको पता ही होगा, और अगस्त में है उसका एग्जाम, और कोर्स अब आपका इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अभी भी आपके पास 2 महीने तो ऐसे हैं कि आप इस 2 महीने में कुछ भी कर सकते हो। जितनी मेहनत आपको करनी है इस 2 महीने में कर लो भाई, क्योंकि अगर 1 साल बाद भी करोगे तभी भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप अभी इस बारी मेहनत कर लो। और अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि भाई अगर सर ये करा देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप मुझे जरूर बताना। ये बात मैं हर बैच में बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि अगर सर ये करा देंगे एक्स्ट्रा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई अगर कुछ भी आपको लगता है, कुछ भी, तो आप मुझे बताना जरूर, ठीक है बच्चों? चलो फिर अब हम अपना सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और देखो अब ये चैप्टर ना बस कंप्लीट ही हो गया, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे, मतलब मैथ को लेकर के मैं अपने सब्जेक्ट की बता सकता हूँ कि अगर ये हो जाएगा तो हम सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे, तो आप अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप मतलब बताना जरूर। अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो अभी जो आपने लास्ट में 2, 3, 4 क्वेश्चन करे हैं ना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो ये और एक इसके पहले वाला और एक उससे पहले, जो मतलब ये जो लास्ट के आपने 2, 3 क्वेश्चन करे हैं, इस 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप रीड करो, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये एकदम इजी होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई आपके पास 2 कंटेनर हैं, उनमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:3, और एक दूसरे वाले में है 3:5। आप दोनों को किस रेशियो में मिक्स करोगे कि आपके पास जो फाइनल कंटेनर है उस फाइनल कंटेनर में आपके पास स्पिरिट और वाटर का रेशियो हो जाए 1:2, स्पिरिट और वाटर का रेशियो हो जाए 1:2। तो देखो जैसे हमने कल क्वेश्चन करे थे भाई, कल वाले क्वेश्चन में क्या था आप एक बात समझो कि आप कहीं पे आपने मिल्क मिक्स करा, कहीं पे आपने वाटर मिक्स करा, तो आपने यहां से एक बात ये समझ लो सबसे पहले तो छोटी सी, भाई आपके पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सपोज मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:5, कोई भी कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:5। आपने क्या करा, इसमें से सपोज आपने इसमें से 22 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, 22 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, आपके पास एक कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:5, आपने इसमें से 22 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। तो अब ये जो आपने बच्चों 22 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला है, इसमें से भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो जाएगा, ये जो 22 लीटर आपने बाहर निकाला है ये भी 6:5 में ही बाहर निकलेगा। भाई ये हमारे पास स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो था सपोज 6:5, आपने इसमें से 22 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, तो ये जो आपने 22 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला है ये भी 6:5 में बाहर निकलेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस 22 लीटर में से तुमने कितना तो मिल्क बाहर निकाला होगा,
तो कितना वाटर बाहर निकाला होगा, तो बताओ। अब जो भी मिक्सचर आप बाहर निकाले 22 लीटर, ये 6:5 में बाहर निकलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने कितना निकाला होगा, तो आप ये बोल दोगे कि ये जो 22 लीटर मिक्सचर हमने बाहर निकाला है, इसमें से 12 लीटर तो क्या होगा हमारे पास मिल्क, और 10 लीटर क्या होगा हमारे पास वाटर। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? ये जो 22 लीटर मिक्सचर तुमने बाहर निकाला है, इसमें से 12 लीटर तो मिल्क बाहर निकला होगा और 10 लीटर पानी बाहर निकला होगा। समझने वाली बात क्या है? स्टार्टिंग में जो रेशियो था, ये बाहर भी इसी रेशियो में निकलेगा, और 22 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद इसके जो अंदर बचा होगा वो भी 6:5 में ही होगा। अगर स्टार्टिंग का रेशियो 6:5 है, तो जो तुमने बाहर निकाल दिया वो भी 6:5 में ही बाहर निकलेगा, और जो बाहर निकालने के बाद रिमेनिंग बचा वो भी 6:5 में ही बचेगा। समझ आई बच्चों बात? बोलो। बस मिक्सचर में तुम्हें ये एक बात समझनी थी। अब देखो इसके ऊपर ना मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं बच्चों। भाई आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:5, आपने इसमें से क्या करा 220 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। 220 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। एक सेकंड रुको बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कल ही देखा था, नोट कर रखा है, एक सेकंड रुको बस। चलो इसको रहन दो, ये इसको देखो सेम ही है भाई वो क्वेश्चन, अब ढूंढना पड़ेगा, बात दोनों ही सेम है। भाई आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, आपने क्या करा इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। मिल्क और वाटर का रेशियो 1, आपने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपने इसमें 10 लीटर वाटर मिला दिया। 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला और 10 लीटर वाटर मिला दिया, तो हमारे पास अब जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो हो गया 2:3। तो आपको ये बताना है कि भाई स्टार्टिंग में हमारे पास ये मिल्क कितना था। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? जिनको नहीं आया वो फिर से समझ लो। मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, हमने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया और उसके बाद 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो इसके बाद रेशियो हो गया 2:3। तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना मिल्क था। देखो जो बात मैं आपको अभी समझा रहा था, अब उसको यहां अप्लाई करके देखो ये क्वेश्चन कितना फास्ट हो जाएगा। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी। भाई आपके पास देखो मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, भाई अब हमने इसमें 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। भाई 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद कंटेनर में भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा बताओ। जो बात मैं आपको समझा रहा था वो समझो थोड़ा सा डीप में जाके। भाई स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, आपने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, उसके बाद अब भी तो आपके पास जो रिमेनिंग बचा वो 4:1 बचा, उसके बाद आपने इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, उसके बाद ये रेशियो हो गया 2:3। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई आपने जब इसमें वाटर ऐड करा है, जो रिमेनिंग बचा हम उसकी बात कर रहे हैं, जब आपने इसमें 10 वाटर ऐड करा है तो इसका मतलब मिल्क इक्वल होगा, तो आप मिल्क को इक्वल कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 6। तो आप मुझे ये बताओ स्टार्टिंग में हमारे पास मिल्क वाटर था 1, आज हमारे पास वाटर हो गया 10, हमने वाटर कितना ऐड कर दिया 5 की वैल्यू है 10, 1 की वैल्यू होगी 2। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ रही?
इस क्वेश्चन से मैं आपको बेसिक बातें समझाना चाह रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे। ये बात समझ आई बच्चों, वन की वैल्यू टू, बोलो वन की वैल्यू है टू, तो आप मुझे ये बताओ फाइव की वैल्यू कितना होगी। और ये जो फोर रेशियो वन है ना, ये वो रेशियो है जो मिक्सचर निकालने के बाद रिमेनिंग बचा। भाई 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो रेशियो है वो 4:1 है, तो 1 की वैल्यू है 2, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी 10। इसका मतलब आपके पास ये जो कंटेनर है इसमें 10 लीटर मिक्सचर तो रिमेनिंग है और 10 लीटर आपने बाहर निकाल दिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया। ये समझाना चाह रहा था मैं इतनी देर से तुम्हें, 10 लीटर तो अब उसमें रिमेनिंग बचा है, 10 लीटर मिक्सचर तुमने बाहर निकाला था, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 10 लीटर। बात समझ आई बच्चों? भाई बहुत समझने वाली बात है ये, बस एक ही बात समझनी है तुम्हें, ये बस पूरा चैप्टर अब कंप्लीट। बताओ बच्चों ये सारी कहानी क्लियर? तो इसका मतलब जो आपके पास स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था भाई, वो मिक्सचर था 20 लीटर। अब इस 20 में से एक कितना होगा, 4/5 मतलब 16 लीटर। अगर आपसे पूछे कि भाई स्टार्टिंग में हमारे पास मिल्क कितना होगा, 16 लीटर। बताओ बच्चों समझ आई बात? बोलो बच्चों कुछ तो बोलो। भाई 20 लीटर ऐसे आया कि 10 लीटर तो अब उसमें रिमेनिंग बचा और 10 लीटर वो मिक्सचर जो तुमने बाहर निकाल दिया था, तो टोटल कंटेनर में कितना होगा स्टार्टिंग में 20 लीटर। भाई 10 लीटर तो उसमें अब रिमेनिंग बचा, 1 की वैल्यू है 2, 1 की वैल्यू है 2, तो इस 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 10, 1 की वैल्यू है 2 तो 5 की वैल्यू है 10। इसका मतलब 10 लीटर तो अब उसमें रिमेनिंग बचा, 10 लीटर रिमेनिंग बचा और 10 लीटर आपने बाहर निकाल दिया था, तो टोटल कितना होगा। भाई आपने एक काम करा, आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, आपने उसमें से 10 रुपए तो खर्च कर दिए, 10 रुपए आपके पास रिमेनिंग बचे, तो आपकी पॉकेट में टोटल कितने पैसे होंगे, 20 रुपीज। भाई 10 रुपए तुमने खर्च कर दिए, 10 रुपए तुम्हारे पास बचे, अगर मैं पूछू कि तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए थे, तुम बोल दोगे 20 रुपए। समझ आई बात कोमल? ये हमने यहां करा है, 10 लीटर मिक्सचर तो बाहर निकाल दिया, 10 लीटर मिक्सचर हमारे पास रिमेनिंग बचा, तो अगर मैं पूछूं कि टोटल मिक्सचर कितना होगा, 20 लीटर। तो अब देखो हम क्या कर रहे थे, अब क्वेश्चन पे आओ वापस। तो बस इस बात को आप नोट कर लो, अगर कहीं भी मिल्क और वाटर का रेशियो 6:4, 6:5 कुछ भी है, तो वो उसी रेशियो में तो बाहर निकलेगा और उसी रेशियो में कंटेनर के अंदर बचेगा। अब देखो अब मैं आपको क्या समझा रहा था भाई, अब उस बात को समझो। भाई अगर आपने मिक्सचर बाहर निकाला है तो ये जो दोनों हैं, अब समझो क्वेश्चन तो, अब आप ये समझो भाई हमने कुछ मिक्सचर बाहर निकाला, कुछ मिक्सचर बाहर निकाल दिया और दूसरा मिक्सचर उसमें ऐड कर दिया, तो भाई आपने जिस रेशियो में निकाला होगा उसी रेशियो में वो बचा होगा। तो देखो जब इसके ऊपर के तुमने क्वेश्चन करे थे तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें वाटर फाइंड आउट करना है तो तीनों जगह वाटर ले लो, अगर मिल्क फाइंड आउट करना है तो तीनों जगह मिल्क ले लो। लेकिन ऐसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि ना तो तुम्हें मिल्क फाइंड आउट करना ना तुम्हें वाटर फाइंड आउट करना, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुमने कितना मिक्सचर बनाया, तो अब तुम कुछ भी ले लो। भाई मिल्क था तो मिल्क ले लिया, वाटर था तो वाटर ले लिया। अब इस क्वेश्चन में मिक्सचर पूछा है तो तुम कुछ भी ले लो, लेकिन लेना तीनों जगह से सेम ही पड़ेगा। ये बात समझ आई बच्चों? बस ये एक लास्ट बात है, उसके बाद बस खत्म। अब देखो आपके पास स्टार्टिंग में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, 1:3, तो स्प्रिट और वाटर का रेशियो है 1:3, तो आप दोनों में से कोई भी ले लो। सपोज आपने स्प्रिट ले लिया तो फर्स्ट कंटेनर में स्प्रिट कितना हो जाएगा भाई, 1/4।
सेकंड कंटेनर में स्पिरिट कितना हो जाएगा, फिर आपको तीनों जगह से स्पिरिट ही लेना पड़ेगा। अगर आप वोटर लोगे तो तीनों जगह से वोटर ही लेना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट कंटेनर में से स्पिरिट ले लिया तो फिर सेकंड में से भी स्पिरिट लो। सेकंड में स्पिरिट कितना होगा, 3/8, और फाइनल में स्पिरिट कितना हो जाएगा, 1/3। तो आपको बस ये बताना है कि आपने दोनों को किस रेशो में मिक्स करा। समझ आई बच्चों बात? आप कुछ भी ले लो, लेकिन आप लेना एक ही पड़ेगा, या तो तीनों जगह से स्पिरिट ले लो या तीनों जगह से वाटर ले लो। जब मिल्क के लिए बोला था तो मिल्क ले लिया, वाटर के लिए बोला था तो वाटर के लिए ले लिया, लेकिन मिक्सचर में तो दोनों ही चीजें सेम जाएंगी, सेम बचेंगी। तो अब जहां पे भी मिक्सचर आए वहां तुम कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सेम आएगा। बताओ कितना होगा रेशियो। बस तुम्हें तो ये एक बात समझनी थी, अगर समझ ना आए तो इस बात को रट भी सकते हो कि तीनों जगह से सेम लेना है, बात खत्म। कितना हो जाएगा भाई इधर, 3/8 - 1/3, इधर कितना हो जाएगा, 1/3 - 1/4। कर लो भाई इनको सॉल्व, कितना होगा ये 24, ये कितना होगा 9 - 8, और ये इधर कितना होगा 12 - 4 - 3, 1/24 और 1/12। तो आपके पास इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। भाई ये दोनों तो आपके पास कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 1:2। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है आपने इसको 1:2 में मिक्स करा होगा। समझ आई बच्चों बात? बस आपको करना तो ये है, तीनों जगह से सेम ले लो, समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो रख लो। एट द एंड क्या करोगे, रटना ही पड़ेगा, समझ नहीं आएगी तो बात। वैसे बताओ बच्चों को डाउट, ये जो पॉइंट तुम्हें समझाया, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो तीन क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन को एग्जाम में आने से। करो इस क्वेश्चन को मिक्स, करो इस क्वेश्चन को ट्राई, तीनों जगह से आप सेम ले लो, क्योंकि आपने मिक्सचर बाहर निकाला है और मिक्सचर ऐड करा है। अगर मिक्सचर है तो कुछ भी ले लो, अगर वोटर के लिए बोलता तो फिर हम तीनों जगह वोटर के ले लेते। बताओ कितना होगा आंसर, तीनों जगह से वोटर ले लो या फिर तीनों जगह से वाइन ले लो, आंसर सेम आएगा। बताओ आंसर कितना होगा। करो भाई एक बार ट्राई, कुछ भी ले लो आंसर सेम आएगा, क्योंकि तुमने मिक्सचर को ऐड करना है। देखो सपोज हमने तीनों जगह से वाटर ले लिया, तो फर्स्ट कंटेनर में कितना वाटर है, 2/कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5। भाई फर्स्ट कंटेनर में 2 है हमारे पास वाटर, और कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5। उसके बाद सेकंड कंटेनर में देखो 4 है हमारे पास वाटर, और कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 9। उसके बाद बीच में भी अब आपको वाटर ही लेना पड़ेगा। अब देखो आपके पास वोटर कितना है, 5। भाई अब की बार ये रेशियो थोड़ा इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया, अब की बार हमारे पास वोटर कितना है, 5, और कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 12। तीनों जगह से वोटर लेके सोल्व कर लो या फिर तीनों जगह से वाइन लेके सोल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। बताओ कितना आएगा रेशियो। तो आपने क्या करा भाई, 4/9 - 5/12, उसके बाद 5/12 - 2/5, बस जो यहां से रेशियो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
तो भाई कितना आएगा रेशियो, इधर आ जाएगा 36, ये आएगा 16 माइनस 15, और इधर से कितना आएगा हमारे पास 60। तो ऊपर कितना बचेगा भाई हमारे पास 1/36, और इधर कितना बचेगा 1/60, तो ये कितना आ जाएगा, इसको तुम 12 से डिवाइड कर लो 3 और 5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 5:3। तो ये हो गया हमारा आंसर 5:3। इस वाटर ले लिया तभी भी आंसर यही आएगा, अगर आप वाइन ले लोगे तब भी आंसर यही आएगा। बताओ बच्चों समझ आई ये बात? स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर भाई, चाहे आप SBI देना, IBPS देना, SSC देना, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100% मिलेगा तो मतलब मिलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे, इसको करो पहले, देखो इस क्वेश्चन को रीड करो फिर मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाता हूं। एक हमारे पास कंटेनर है, उसमें 45% अल्कोहल है और रिमेनिंग वाटर है। आपने क्या करा, इसमें से कुछ वाइन को बाहर निकाला और उसके प्लेस पर एक दूसरी वाइन ऐड कर दी जिसमें 20% अल्कोहल है, और अब आपके पास फाइनल में 25% अल्कोहल है। तो आपको ये बताना है कि भाई आपने कितनी वाइन को बाहर निकाला। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? भाई आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 45% अल्कोहल है, इसमें से आपने कुछ अल्कोहल को बाहर निकाल दिया और इस 45% अल्कोहल के प्लेस पर एक ऐसी अल्कोहल ऐड कर दी जिसमें 20% अल्कोहल है, ऐसा लिक्विड ऐड कर दिया जिसमें 20% अल्कोहल है, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें आपके पास 25% अल्कोहल है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सेकंड वाला आपके पास है इसको आपने कितना ऐड करा। देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये भाई कितना डिफिकल्ट है। भाई अब आप ये देखो आपके पास कितना अल्कोहल है स्टार्टिंग में 45, जिस अल्कोहल को आपने ऐड करा है उसमें कितना अल्कोहल है भाई 20%, और फाइनल मिक्सचर में कितना अल्कोहल है 25। रेशियो फाइंड आउट करो कितना आएगा, इधर आएगा 5, इधर आएगा 20, ये हो गया भाई हमारे पास 1:4। भाई आप मुझे ये बताओ, अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितना होगी, तो आप बोल दोगे कि सर एक तो है उसमें एक लीटर तो है उसमें 45% वाली अल्कोहल, और 4 लीटर है उसमें 20% वाली अल्कोहल, तो आपके पास जो कंटेनर होगा उसकी टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी भाई 5 लीटर। समझ आई बच्चों बात? थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो भाई, आपके पास जो मिक्सचर बना, जो मिक्सचर आपके पास बना उसमें क्या है, 1 लीटर तो है आपके पास 45% अल्कोहल और 4 लीटर है आपके पास 20% अल्कोहल, तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी 5 लीटर, और आपने कितना ऐड करा है, ये 5 तो टोटल कैपेसिटी हो गई, आपने कितना ऐड करा है 4 लीटर, तो इसका मतलब आपने उस मिक्सचर में 4/5 इतने को रिप्लेस करा होगा, इतनी क्वांटिटी को। समझ आई बच्चों बात? भाई ये जो हमारे पास 20 है 4 आया, ये आप सबसे पहले मुझे ये बताओ ये फाइनल कैपेसिटी समझ आई कि टोटल कैपेसिटी 5 होगी, ये बात समझ आई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। उसके बाद आपने कितना रिप्लेस करा है 4, तो 4 को ऊपर लिख दो, टोटल अगर 5 है तो 4 इसमें से न्यू वाली है, इसका मतलब 80% ऐसी होगी जिसको तुमने रिप्लेस करा होगा। समझ आई बात? भाई फाइनल मिक्सचर में अगर आपके पास टोटल 5 लीटर है तो उसमें से 4 लीटर तो वो वाली है ना 20% वाली, तो इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर 5 लीटर है तो
तो चार लेटर उसमें से वो है जिसको तुमने 20% वाली को ऐड करा है, तो आपको यही बताना था कि कितने मिक्सर को तुमने रिप्लेस कर दिया 80% को। समझ आई बच्चों बात? अब देखो यहां से इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि ये है भाई हमारे पास रिप्लेसिंग, जितने को हमने रिप्लेस करा, और ये होगा हमारे पास टोटल। अब इस बात को भी रट लो कि अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि तुमने कितना रिप्लेस करा, तो ये वाली वैल्यू हमेशा रिप्लेस वाली आएगी, 4/टोटल, मतलब कितना रिप्लेस कर दिया तुमने, 4/5। समझ आई बच्चों बात? अब बताओ फटाफट से, अभी दो तीन क्वेश्चन जो है ना थोड़े समझने, समझने के बाद इनको रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार समझ लो इनको। अब आओ वापस इस क्वेश्चन पे, देखो अब इस क्वेश्चन में तुमने क्या करा है, ध्यान से समझो। तुमने मिक्सचर 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला है, 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकालकर और उसकी जगह ऐड करी है तुमने केरोसिन। समझो, अगर तुम मिक्सचर को बाहर निकाल के मिक्सचर को ऐड करते तो तुम कुछ भी ले लेते, केरोसिन ले लेते तीनों जगह से, या तीनों जगह से ऑयल ले लेते। लेकिन अब तुमने मिक्सचर तो बाहर निकाला है, और मिक्सचर बाहर निकालने के बाद तुमने ऐड करा है केरोसिन। एक बात आपको कल की क्लास में समझाई थी, जिसको आप ऐड करोगे तीनों जगह से आप उसी को लोगे। समझ आई बच्चों बात? भाई अगर मिक्सचर बाहर निकाल के मिक्सचर ही ऐड करते तब तो तुम ऑयल ले लेते या केरोसिन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुमने मिक्सचर बाहर निकाल के केरोसिन ऐड कर दिया, तो अब जिसको आप ऐड करते हो उसको लोगे आप, इससे तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस अब आ गया आंसर। आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट कंटेनर में आपके पास केरोसिन कितनी होगी, 2/कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5। भाई जिसको आपने ऐड करा है वो तो 100% वो ही ऐड करा होगा। कल समझाई थी भाई ये बात आपको, यहां पर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि जिस चीज को भी आप ऐड करोगे वो तो 100% वो ही ऐड करोगे। अगर तुमने केरोसिन ऐड करा है, इसका मतलब 100% केरोसिन ऐड करा होगा। अगर तुम परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो इसको 40% कर लो, इसको 60% कर लो, नहीं तो फ्रैक्शन में लिखना है 40% सॉरी इसको कर लो 100%। लेकिन अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो एक बात आपको फर्स्ट क्लास में समझाई थी परसेंटेज की, कि 1 = 100%। परसेंटेज में लिखना है तो 100% में लिख लो, वैसे लिखना है तो 1 लिख लो। तो फाइनल मिक्सचर में केरोसिन कितना होगी, 3/टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5। सॉल्व करो बताओ कितना आएगा रेशियो। नहीं बच्चों कितना आएगा, इधर से 2/5 और इधर से 1/5, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास रेशियो कितना आ गया, 2:1। बताओ बच्चों यहां तक की कोई दिक्कत परेशानी? अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई आपने 10 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया, तो एक बात आपको अभी समझाई थी भाई ये वाली जो वैल्यू होगी यही तो वो वैल्यू होती है जो आप जिसको आप रिप्लेसिंग वैल्यू बोलते हो, मतलब 1 की वैल्यू है आपके पास 10, 1 की वैल्यू है 10, आपको बतानी है टोटल क्वांटिटी। 1 की वैल्यू है 10 तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 लीटर। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है ये कितना, इसमें कितना होगा, 30 लीटर। बताओ बच्चों समझ आई बात? बस एक क्वेश्चन ये था, खत्म, बाय बाय टाटा। अब एक फॉर्मूला बचा, बस उसको नोट कर लो। इसको नोट करो, देखो एफ क्यू का मतलब है फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी। आई क्यू का मतलब है इनिशियल, सी का मतलब है कंटेनर की टोटल कैपेसिटी,
एन का मतलब है टाइम और एक्स का मतलब है कि आपने कितना रिप्लेस करा। भाई इसको आप अपने हिसाब से लिख लेना, सबसे पहले इसको नोट कर लो आप। बस एक ये फॉर्मूला है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 - x / c^n। एफ क्यू मतलब फाइनल क्वांटिटी, आई क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, सी मतलब कंटेनर की टोटल कैपेसिटी, एक्स मतलब कितने लीटर आपने रिप्लेस करा और एन मतलब टाइम। करो इसको नोट। अब देखो यहां पे भी आप एक बात समझ लो, बच्चों आपको ये बात समझनी है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, या फिर इसको रट लोगे बताओ। ये जो अभी आपने ऊपर प्रोसेस करा था ना, ये फॉर्मूला भी वहीं से आया है भाई। इसको रट लोगे या समझाना है ये आया कैसे। देखो मैं एक ना तुम्हें क्वेश्चन से समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ, तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला भी आया कैसे। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन ले लेते हैं भाई हमें। देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन से समझेंगे ना तो स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। छोटे क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ, बात वही है सेम। देखो आपके पास ना एक कंटेनर है, उसमें 50 लीटर मिल्क है। बड़े ध्यान से समझना भाई, अगर समझ ही रहे हो तो। आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास 50 लीटर मिल्क है। आपने क्या करा, इसमें से 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया, सॉरी आपने इसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया। तो जब आपने इसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो आप मुझे ये बताओ कि भाई हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास 50 लीटर था, हमने 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास मिल्क कितना बचा होगा। भाई अगर हमने 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल दिया तो मिल्क कितना बचा, 40 लीटर, और इसकी जगह पर 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मतलब वाटर कितना हो गया हमारे पास 10। भाई स्टार्टिंग में 50 लीटर था, इसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकालकर उसकी जगह 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अगर अब प्रेजेंट में आप देखोगे तो हमारे पास मिल्क कितना है 40 और वाटर कितना है 10। बताओ बच्चों इतनी बात समझ आई। भाई इसके बाद अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आपने फिर से 10 लीटर बाहर निकाल दिया, फिर से तुमने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला और उसकी जगह 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब आप क्या करोगे। एक बात मैंने आपको अभी बताई थी, आप मुझे ये बताओ यहां से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है हमारे पास, 4:1, तो अब ये जो 10 लीटर आप बाहर निकालोगे, ये जो 10 लीटर आपने बाहर निकाला ये भी 4:1 में बाहर निकलेगा। मतलब 5 की वैल्यू है 10, 1 की वैल्यू होगी 2, तो 4 की वैल्यू होगी 8 और 1 की वैल्यू होगी 2। तो अब की बार जब आप 10 लीटर बाहर निकालोगे, अब की बार जब आप 10 लीटर बाहर निकालोगे तो अब की बार उसमें से 8 लीटर तो मिल्क जाएगा और 2 लीटर जाएगा वाटर। तो अब आपके पास कितना मिल्क बचेगा, 32, और वाटर कितना बचेगा आपके पास, 8। बताओ ये बात समझ आई बच्चों, बोलो। आपने क्या करा, अब इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब आप
पास क्या होगा भाई, 32 लीटर तो मिल्क हो जाएगा और 18 लीटर हो गया आपके पास वाटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई अब इस कंटेनर में क्या है, तो आप इस कंटेनर में बोलोगे देखो टोटल कैपेसिटी तो कंटेनर की अभी भी 50 रहेगी, बस जितना दूध था वो पानी से रिप्लेस होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो अब आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग में जो हमारे पास 50 लीटर मिल्क था, दो स्टेप के बाद हमारे पास 32 लीटर तो मिल्क हो गया और 18 लीटर हो गया वाटर। समझ आई बच्चों ये बात? तो ये फॉर्मूला जो है ना ये ऐसे आया। या तो आप इस पूरे प्रोसेस को ऐसे कर लो, या तो आप इस पूरे प्रोसेस को ऐसे कर लो, या फिर आप मुझे एक बात बताओ, जैसे स्टार्टिंग में आपके पास 50 लीटर वाटर था और लास्ट में आपके पास 38 लीटर वाटर बचा, सॉरी 32, तो आपने कितना पानी मिला दिया होगा भाई? स्टार्टिंग में हमारे पास 50 लीटर दूध था और आज हमारे पास 32 लीटर दूध है, तो इसका मतलब कितना पानी आ गया होगा? 18 लीटर। तो अब हम करते क्या है, अब हम मिल्क को ही फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। स्टार्टिंग में मिल्क कितना था? इतना। लास्ट में मिल्क कितना बचा? इतना। तो बचा हुआ क्या आ गया होगा? पानी। समझ आई बच्चों बात? भाई अगर हम ऐसा करें कि हम मिल्क ही फाइंड आउट कर ले कि भाई स्टार्टिंग में तो हमारे पास मिल्क था 50 लीटर और आज हमारे पास मिल्क है 32 लीटर, तो स्टार्टिंग में इतना मिल्क था, आज इतना मिल्क है, तो बचा हुआ जो 18 लीटर है ये आ गया हमारे पास वाटर। तो अब हम करते क्या है, अब हम दूध को ही चेक कर लेते हैं भाई, स्टार्टिंग में कितना दूध था और अब कितना दूध बचा। देखो फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स अपॉन सी की पावर एन। देखो फाइनल में हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल कितना था 50, भाई हमने कितना लीटर बाहर निकाला है, एक्स मतलब कितना रिप्लेस करा 10, टोटल कैपेसिटी कितनी है 50 अपॉन एन, कितनी बार रिप्लेस करा? दो बार। समझ आई बच्चों बात? तो अब हमने यहां से क्या कर दिया, 50 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, तो ये कितना कट गया 2 टाइम, तो मतलब फाइनल में हमारे पास कितना मिल्क आ गया 32 लीटर। स्टार्टिंग में मिल्क था 50 लीटर, आज मिल्क हो गया 32 लीटर, तो पानी कितना आ गया 18 लीटर। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे करते हैं, या तो इसको बराबर ऐसे करते रहो आप बार बार, या फिर आप क्या करो, आप ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो कि भाई स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, लास्ट में मिल्क कितना आ गया, तो बचा हुआ क्या होगा? पानी। समझ आया बच्चों पूरा प्रोसेस? या तो आप इसको बार बार ऐसे करते रहो कि जो 10 लीटर बाहर निकालोगे वो 4:1 में निकलेगा, या फिर इसी प्रोसेस को आप ऐसे कर लो कि भाई हमारे पास स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, लास्ट में मिल्क कितना बचा, तो बचा हुआ आ गया पानी। बताओ बच्चों समझ आई कहानी? भाई एक बार अगर आप इस चैप्टर को समझ गए ना, क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें एकदम जी खुश हो जाएगा, जहां ये अप्लाई होगा वहां तुम्हारा आंसर सेकंडों में आ जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप क्या करो, आप ये चेक कर लो कि स्टार्टिंग में मिल्क कितना था 60 लीटर और लास्ट में मिल्क कितना हो गया। भाई स्टार्टिंग में मिल्क था 60, सपोज लास्ट में मिल्क हो गया 40, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा 20 लीटर वाटर, बात खत्म। तो आप मिल्क को चेक कर लो। अब देखो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 60, 1 माइनस x मतलब कितना रिप्लेस करा हमने 12 लीटर, 12 अपॉन कैपेसिटी कितना है 60, कितनी बार रिपीट करा प्रोसेस ये बताओ। भाई एक बार तुमने बाहर निकाल दिया और इस प्रोसेस को एक और बार रिपीट करा, तो n की वैल्यू कितना होगी 2। फटाफट से इसको सॉल्व करो और अब मुझे यहां से फाइनल क्वांटिटी बताओ कितना आएगी। यही होगा ना बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास इधर से 12
और इधर से कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? देखो अब मैं ना आपको एक बात समझाता हूँ, एक बात आप और समझो। चलो इसको सॉल्व करो भाई फटाफट से, कितना आएगा बताओ। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो बच्चों। 12 चौक 48, 38.4। देखो अब आप यहां से एक छोटी सी बात ये समझो भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास मिल्क कितना था? 60। स्टार्टिंग में मिल्क था हमारे पास 60 और आज हमारे पास मिल्क है 38.4, तो बचा हुआ जो है वो पानी आ गया होगा। तो आपको यहां से मिल्क और वाटर का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो फाइनल क्वांटिटी तो हमारे पास वाटर की ये होगी, मिल्क की, और 60 में से माइनस कर देना वाटर आ जाएगा। इन दोनों का तुम्हें रेशियो बताना, वो तुम्हारा आंसर होगा। अब बच्चों इस प्रोसेस को तुम कर लोगे, अब देखो अगर आपको रेशियो बता भाई, अगर आपको ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी होती, अगर आपको ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी होती तो फिर तो आपको यही पूरा प्रोसेस करना पड़ता। लेकिन अगर आपको रेशियो ही बताना है तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, समझ लो। बस ये एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म है सब कुछ। आप मुझे ये बताओ, अब थोड़ा सा सोचो भाई, आपके पास 60 लीटर है, आपने इसमें से 12 लीटर को रिप्लेस कर दिया, मतलब अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लीटर मिल्क था तो अब हमने इसमें से एक को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास कितना मिल्क बचा होगा? 4। 5 से 4 कैसे हुआ, ये बात समझ आई भाई? अगर 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। स्टार्टिंग में अगर हमारे पास 5 लीटर दूध था तो हमने इसको एक को रिप्लेस कर दिया पानी से। अगर स्टार्टिंग में मिल्क कितना था तो अब मिल्क कितना बचा प्रेजेंट में? इतना। इस प्रोसेस को एक और बार करा तुमने, तो अगर स्टार्टिंग में तुम्हारे पास मिल्क था 25 तो अब तुम्हारे पास कितना मिल्क आ गया? 16। प्रेजेंट में तुम्हारे पास मिल्क है 16, तो वाटर कितना होगा? 9। ये होगा तुम्हारा आंसर। या तो वैसे कर लो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो जो तुम्हें ठीक लगे उससे कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। समझ आया बच्चों को भाई? यहां हमने सीधा वाटर चेक, मिल्क चेक कर लिया, स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, अब मिल्क कितना बचा भाई? प्रेजेंट में मिल्क है 16, वाटर आ गया 9। ये हो गया आंसर। वहां से भी सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा मेथड नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। करो इसको, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब की बार तुम्हें बताना है कि कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है। फिर से भाई उसी फॉर्मूले को नोट करो। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अब छोटी सी बात सोचो, आपके पास स्टार्टिंग में जो कंटेनर है वो मिल्क से फुल है, मतलब वो आपके पास स्टार्टिंग में जो कंटेनर है उसमें टोटल मिल्क है, आपने क्या करा? 7 लीटर मिल्क बाहर निकाला, वाटर ऐड कर दिया। इस प्रोसेस को एक और बार करा तो फाइनल में आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया भाई? 25:11। तो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई फाइनल में तो मिल्क है 25, लेकिन इनिशियल में मिल्क कितना होगा भाई? स्टार्टिंग में जब शुरुआत होगी, जब ये 11 लीटर है, ये 11 लीटर भी तो मिल्क ही होगा भाई। जब स्टार्टिंग होगी, ये जो आपके पास वाटर आया है 11, ये वाटर भी तो मिल्क ही होगा ना जो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपके पास मिल्क की कैपेसिटी कितनी होगी? 36। समझ आई बच्चों बात? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो भाई। आज आपके पास वाटर आ गया 11,
लेकिन स्टार्टिंग में ये जो 11 वोटर है ये भी तो मिल्क ही होगा ना, तो स्टार्टिंग में टोटल मिल्क कितना होगा, 25 प्लस 11 36, 1 माइनस एक्स है आपके पास 7। कंटेनर की टोटल कैपेसिटी अब की बार आपको फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू कितना होगी, टू, बस यहां से आपको सी बताना है कितना होगा। कितना होगा भाई हमारे पास, इसका मतलब कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी भाई, 42 लीटर। समझ आई बच्चों कहानी? बोलो बच्चों। देखो ये तो था इसका पूरा प्रोसेस, अब ये समझ लो अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे भाई। ये जो आज के जितने भी क्वेश्चन थे ना, इनको एक बार ना घर पे फिर से करना, समझने वाले क्वेश्चन थे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। भाई आप मुझे ये बताओ स्टार्टिंग में मिल्क कितना होगा हमारे पास, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टार्टिंग में मिल्क कितना है भाई, अभी तो आपको समझाया था 25 प्लस 11, स्टार्टिंग में मिल्क होगा 36, प्रेजेंट में मिल्क कितना है 25। तो देखो इस प्रोसेस को आपने दो बार करा है तो आप डायरेक्ट यहीं पे इसका रूट कर दो, कितना आ गया 6 से 5। भाई बेसिक वाले में जो भी आपने करा था वो भी तो यही है, स्टार्टिंग में मिल्क था 6, प्रेजेंट में मिल्क है 5, कितना मिल्क को तुम्हें रिप्लेस करा, 1 की वैल्यू है 7, 1 की वैल्यू है 7, तो स्टार्टिंग में तो टोटल मिल्क होगा 1 की वैल्यू है 7, तो 6 की वैल्यू कितना होगी, 42 लीटर। वही प्रोसेस था बेसिक वाला, उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा प्रोसेस वही है। समझ आया बच्चों? बताओ फिर आंसर कितना होगा, आप बस ये देख लो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था ये बताओ, क्वेश्चन रीड करो और मुझे ये बताओ कि आपके पास स्टार्टिंग में मिल्क कितना होगा। भाई स्टार्टिंग में आपके पास ये जो अब प्रेजेंट में वोटर है, स्टार्टिंग में तो ये भी मिल्क ही होगा, तो स्टार्टिंग में टोटल मिल्क कितना होगा, 49 प्लस 32, स्टार्टिंग में टोटल मिल्क होगा 81, और प्रेजेंट में मिल्क कितना है आपके पास, प्रेजेंट में मिल्क है 49, और प्रोसेस को आपने कितनी बार रिपीट करा है, दो बार, तो डायरेक्ट यहीं पर रूट कर दो। अगर स्टार्टिंग में आपके पास 9 लीटर मिल्क था तो अब प्रेजेंट में आपके पास 7 लीटर मिल्क है, आपने कितने लीटर को रिप्लेस कर दिया, 2, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई, 10, 2 की वैल्यू है 10, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 5, 1 की वैल्यू है 5, तो कंटेनर की टोटल कैपेसिटी मतलब 9 की वैल्यू कितना होगी, 45 लीटर। तो बच्चों ये था आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन, समझ आई कहानी? अब ये जो दो तीन क्वेश्चन बचे हैं ना एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, इनको आप ट्राई करना भाई, एकदम सेम है, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छा चैप्टर, मतलब एक नंबर का चैप्टर जिसे कह देते हैं ना बातों में, वो है ये, अगर आप इसको समझ गए, मतलब क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। और मैं अभी ना आपकी नेक्स्ट वीक से क्लास भी लेनी स्टार्ट करूंगा, जो मैं आपसे बोलता हूँ अब वो समय आ गया क्योंकि आपका आईबीपीएस का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया, तो अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, अब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को आप कैसे कैसे कर सकते हो क्योंकि अब सिलेबस हो गया, वर्कशीट वाले बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, अब बस डीआई हो जाए, उसके बाद एक डीआई और कर लो, उसके बाद फिर आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी।
उसमें जो आपके डाउट है वो कराएंगे और जो कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं वो कराएंगे। अब तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक के मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और उसमें जो डाउट है वो भी आ जाएंगे, और उन डाउट को भी कैसे फास्ट करोगे या क्या क्या नए मेथड हो सकते हैं। अब तो सिलेबस पूरा हो गया, अब तो पूरा दिमाग चलाना सीखना पड़ेगा भाई आपको, बस DI बचा और क्या बचा। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में DI के साथ, और नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, उसको जरूर अटेंड करना है जरूर। मेंसुरेशन तो एडवांस मैथ वाले में हो गया आपको। देखो जो बैंक में मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं। मैं आपको फॉर्मूला नोट करके उनके बारे में समझा दूंगा, क्योंकि इतना डीप तो नहीं आता, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो वो जब एडवांस मैथ वाली क्लास चलेगी ना, तो मैं वो आपको वहां अच्छे से समझ, प्रोबेबिलिटी सैटरडे वाली क्लास में होगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी सैटरडे वाली क्लास में होगा, और इस सैटरडे से स्टार्ट होगा। भाई आप टेंशन मत लो, ऐसे कैसे, ऐसे कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, मुझे पूरा ध्यान है भाई तुम्हारा। जो ये वाला सैटरडे आएगा, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी, और मेंसुरेशन होगी आपकी सुबह वाले में, बस। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये मैं आपको अभी सेंड करा देता हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।